तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिशिंग नूडल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप पेंशन का पैसा आधार कार्ड से चेक करना चाहते हैं, आपको किस महीने में कितना पेंशन मिल चुका है और आपको पेंशन का पैसा मिला या नहीं मिला। अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हो, सिर्फ अपना आधार नंबर डालकर चेक करना चाहते हो दोस्तों, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह से आप घर बैठे ऑनलाइन अपना पेंशन का पैसा ऑनलाइन चेक कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, कैसे आप अपना पेंशन का पैसा चेक करोगे। तो देखिए, पेंशन का पैसा ऑनलाइन घर बैठे आधार नंबर डालकर चेक करने के लिए यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको गूगल में आना है और यहाँ पर आपको ये यहाँ पर आपको गूगल में सर्च करना होगा सरकारी न्यू फाइन डॉट कॉम। तो देखिए, जैसा आप यहाँ लिखकर सर्च करोगे गूगल में, इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले नंबर पे वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सरकारी न्यू फाइन डॉट कॉम, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए जो वेबसाइट है वो यहाँ पर कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए पेंशन का पैसा ऑनलाइन घर बैठे चेक करने के लिए यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा इम्पोर्टेंट। यहाँ पर देखिए आपको इस वाली हेडिंग पर क्लिक करना है, हाउ टू चेक पेंशन थ्रू आधार कार्ड। तो आपको इस वाली हेडिंग पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए आधार कार्ड से पेंशन कैसे चेक किया जाता है, यहाँ पर आपको पूरा प्रोसेस देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको लाइव प्रोसेस बताऊंगा किस तरह से आप अपना आधार कार्ड नंबर डालकर अपना पेंशन का पैसा देख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए आपको लास्ट में आ जाना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ऑफिशियल वेबसाइट और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा क्लिक हियर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए आपके सामने ऑफिशियल यहाँ पर वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा पेमेंट रिपोर्ट, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पेमेंट रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और इसके बाद यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा चेक बेनिफिशियरी पेमेंट स्टेटस, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा फाइनेंशियल ईयर, तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ईयर को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा बेनिफिशियरी आईडी, यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे बेनिफिशियरी आईडी, अकाउंट नंबर और आधार नंबर। तो आप अपना पेंशन का पैसा किसके थ्रू देखना चाहते हैं, आपको यहाँ पर उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आधार नंबर को सिलेक्ट कर लिया है क्योंकि मैं आपको आधार नंबर से चेक करके दिखाने वाला हूँ। इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ पर कॉलम है, आपने यहाँ पर जो भी ऑप्शन सिलेक्ट किया है वो यहाँ पर आपको डिटेल डाल देनी है। तो यहाँ पर मैंने आधार नंबर को सिलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पर मैं अपना आधार नंबर डाल देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने आधार नंबर डाल दिया है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको सर्च वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपकी जो पेंशन की डिटेल है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी पेंशन की डिटेल है वो यहाँ पर ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप अपना पेंशन का पैसा देख सकते हैं, किस महीने में आपको कितना पेमेंट मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको किस महीने से कितना पेमेंट मिला है, वो यहाँ पर आप पूरा अमाउंट देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए हर महीने का यहाँ पर अमाउंट दिया गया है, तो यहाँ पर आप पता कर सकते हो आपको किस महीने में पेमेंट मिला या नहीं मिला, वो यहाँ पर आप पूरी डिटेल देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लाभार्थी की वर्तमान स्थिति, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा भुगतान किया जा चुका है। अगर आपका यहाँ पर भुगतान किया जा चुका है तो समझिए आपको जो पेंशन का पैसा है वो आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया गया, ठीक है। आपके बैंक खाते में आपका पैसा ट्रांसफर कर दिया गया है पेंशन का। तो इस तरह से दोस्तों आप घर बैठे ऑनलाइन अपना पेंशन का पैसा घर बैठे ऑनलाइन चेक कर सकते हो।